श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जुगपति गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभु मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्म विष्णु पाद शोधर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज ने चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्म विष्णु पाद शोधर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गत कल्या श्रवण कर रहे थे निगम कल्पतरु दलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरा रसुका मुहुरा रसिका भाव भूमि भाव। इसलिए ये श्लोक हम श्रवण करते करते श्रवण कर रहे थे बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कथा तो मिट्टी है ही है लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से ये कथा निकली उसमें और भी ज्यादा उसमें और भी ज्यादा स्वाद आ गया। इसकी कारण हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसलिए कहते पी वतम यदि ये रस को पान करो तो यहाँ प्रश्न करते हैं। कहते पहले हमने बता दिया ये फल है निगम कल्पतरु गलितम फलम ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है। फल तो थोड़ी बहुत पीते हैं फल तो खाते हैं लेकिन यहाँ पर कहते पी वर्तम बोले इसको पियो बोले ये फल ऐसे ऐसे फल है जिसमें छिलका भी नहीं और उसमें गुठली भी नहीं जिसमें केवल रसी रस है। इसलिए कहते उसको पिया करो। लेकिन अक्सर करके जब कोई चीज को हम पीते हैं हम किधर से पीते हैं कानों से ना मुंह से पीते हैं। कोई चीज जब पीते हैं किधर से पीते हैं कहते उसको हम लोग मुंह से पीते हैं। जैसे हम लोग पी रहे थे किधर से पी रहे थे मुंह से तो पी रहे थे ना कोई भी चीज जो मुंह से पीते हैं। लेकिन फिर ये ऐसे एक दिव्य रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है जिसको कानों से पी जाती है। लेकिन मुंह और कानों में पीने का फर्क क्या है उसमें क्या विशेषत्व है। कहते कोई चीज जब मुंह से पीते है ना वो उसको अंदर में आप रख नहीं सकते वो निकलेगा। कोई चीज को जब हम मुंह से पीते हैं वो अंदर में उसको आप रख ही नहीं सकते हो वो जरूर निकलेगा। लेकिन कोई चीज को जब हम कानों से पीते हैं वो निकलता है वो अंदर में दिखता है। इसलिए बोलते इसको किधर से पियो उसको मुंह से नहीं पी कर उसको कानों से पियो। तब कहते हैं वहां पर जब इतने कहते जो फल कहाँ पर फला था बोले सबसे ऊंचाई जो शाखा के ऊपर में वो फल गया वो फल वहां पर फला हुआ था। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने उसको चोच मारे कहते उस समय में गिरा। कहते अगर ऊपर तेलिया में कोई फल पका हुआ हो अगर इतने ऊपर से अगर गिरेगा क्या हो फट जाएगा। कहते फल क्या फटा है नहीं बल फटा नहीं बोले यूं की त्यूं बल्कि उसी से भी ज्यादा स्वाद उसमें आ गया। बोले कारण क्या बोले कारण ही सब सर्वप्रथम वो फल को खाया भगवान कृष्ण फिर वो फल उन्हें दिया ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी नारद नारद व्यास देव को वो फल दिया। इसलिए वो ऊपर से गिरा नहीं कहते ये गुरु परंपरा माध्यम से ही इसी जगह पर फल आया। जैसे मेरे पास में कोई फल है मैंने ये फल को मधुसूदन को दिया मधुसूदन ने गौर सुंदर को दिया गौर सुंदर गौर हरि को दिया गौर हरि को प्रभु को दिया। अब देखना अगर ये फल को देते 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 जो सबसे जो पीछे बैठे हुए अगर वहाँ तक अगर ये फल पहुँचेगा अगर एक हाथ से दूसरे हाथ देते देते
जितना फल इन पीती हो और उसमें एक खोरच तक भी वो फल में नहीं आएगा। वो यूं पीती हूँ वो फल जाकर के पीछे से पूरा के पूरा वो फल पीछे पहुंच जाएगा। बल्कि ये फल को जितने नीचे आती जाती है ना, जैसे सर्वप्रथम जैसे हम प्रसाद ठाकुर को भोग लगाते हैं, हैं सबसे पहले कृष्ण पाते हैं, उसमें कृष्ण का आधार मिलता है, फिर उसको बाद में श्रीमती राधा रानी पास की उसमें राधा रानी के आधार मिलता आ गया, राधा रानी को बाद में ललिता विशाखा पाती है कहते उनकी आधार मिलता आ गई, उसको बाद में रूपम मंजरी पाती है उसमें उनकी आधार मिलता आ गया, उसको बाद में रत्ति मंजरी पाती है उनकी आधार मिलता आ गया, उसको बाद में फिर श्री नयन कमल मंजरी पाती है भक्ति विनोद ठाकुर उसका आधार मिलता, फिर प्रभुपाद पाते हैं फिर उसमें विनोद मंजरी फिर भाते आधार ये रमण मंजरी को पास में करते। मतलब जितने ये ऐसे के फल है ना वो जितने नीचे फल आएगा उसमें उतना ज़्यादा स्वाद आएगा, उसमें ज़्यादा मिठास आएगा, उसमें ज़्यादा मधुरता आएगी, ऐसे एक दिव्य फल है। इसलिए कहते हैं जो फल है चूंकि ये गुरु परंपरा के माध्यम से ये फल आया है, कभी यूं कि क्यों नहीं बल्कि जितने नीचे आती रहेगी उसमें ज़्यादा उसमें रस आता रहेगा, उसमें ज़्यादा मधुरता आ रहा है। इसलिए कहते पीबतम है पीबतम रस आलयम, भले इसको कब तक पियो भले आलयम, मतलब पी 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 करके जब तक बेहोश नहीं हो जाते हैं ना, है जैसे कि शराब को देखना ये कब तक ये शराब पीता है, जब तक ये शराब को पी पी करके वो बेहोश नहीं हो जाता है वो तब तक पीता है, फिर जो उठता है फिर क्या करता है फिर पीता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो रस है इसको कब तक बोले आलयम। यहाँ पर कैसे विश्वनाथ ठाकुर जी उन्होंने तो बहुत बहुत बात इसी विषय पर उन्होंने बताया है यहाँ पर है, इसलिए बहुत बहुत कुछ बात उन्होंने बताया है। इसलिए जब तक प्रलय नहीं हो जाता है मतलब जब तक कथा सुनते 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 वह भजन भक्ति करते करते जब तक तो प्रलय नहीं आ जाए, जब तक मूर्छा नहीं आ जाता है तब तक उसको पिया करो। लेकिन जब भक्त लोग थे उठते थे, लेकिन कहते हैं मूर्छा अवस्था में भी तभी भक्त लोग पान करते हैं, जैसे श्री महाप्रभु महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में समुद्र को जमुना मानकर कूद पड़े, जब कूद पड़े जब जली की चाल में निकले हैं, जब जली की जाल में निकले जब महाप्रभु को कीर्तन करते हुए जब उनको होश दिलाए महाप्रभु क्या कह रहे हैं तो तुम मेरे को क्यों बुलाए, मैं तो राधा कुंड में चला गया था हैं, मैं तो राधा कुंड में वहाँ पर राधा कृष्ण का जल करी को मैं दर्शन कर रहा था, वहाँ से तुम लोग मेरे को क्यों बुला कर बुलाए। इसलिए यहाँ पर दिखता है प्रलय अवस्था में भी मूर्छा अवस्था में भी कहते भक्त लोग मूर्छा अवस्था में भी वहाँ पर भी रस पान करने का पात है। इसलिए कहते आलयम, जब तक बेहोश नहीं हो जाए तब तक पियो, फिर जब उठो फिर क्या करो पिया करो। इसलिए आलयम बोले मुहू रहो, ये रस को कैसे पान करके बोले मुहू रहो, पुनः पुनः रस को पान करो, बोले पुनः पुनः तुम पान करो। यदि रस को पुनः पुनः तुम पान करोगे कारण है उसका एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे घड़ा है घड़ा में जैसे छेदी छेद है पूरा घड़ा में, अगर उसमें कोई पानी डालोगे तो क्या होगा निकल जाएगा। कहते ऐसे कौन सा स्थिति है भले उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन पानी डालो एक बूंद भी नहीं निकले, उससे एक बूंद भी नहीं निकले है, ऐसे कोई उपाय है? कहते एक उपाय है, कहते अगर उसी घड़ा को अगर पानी में डूबो करके रख लो ना घड़ा, भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो उतना नहीं निकले, क्यों? चूंकि वो जो घड़ा वो पानी में ऑलरेडी डूबा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जब भी हमारी अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य हमारे हृदय में पूरा की पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये कथा रूपी रस को अगर हम सब समय में पान करते रहेंगे, ये कथा रस को पान करते रहेंगे तो क्या होगा? कहते जो नरसिम्हदास ठाकुर कहते हैं काम करो तो साधे दे कुकर के पारे,
क्रियो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य। अगर हमारे भक्त लोगों का संयोग हर समय 24 घंटा में 24 घंटा अगर हम भगवान की भक्ति करते रहे, भजन करते रहे, कथा सुनते रहे, कभी जो काम क्रोध लोभ मोह है फिर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे सब हम सबका अंदर भी काम क्रोध लोभ है, सबका अंदर है ना कि, लेकिन आप देखना जब तक हम कथा में बैठते हैं कि कोई काम क्रोध को सता जाए, कोई सता नहीं रहे। क्यों? हम कथा रूपी रस को हम पान कर रहे हैं, लेकिन आप देखना ये कथा से उठते ही ना फिर तरह तरह का याद आने लग जाते, इधर उधर का चीज फिर याद आने लग जाते। लेकिन जब तक कथा में ही आप देखना तब तक भी क्रोध काम क्रोध कुछ भी नहीं करते। इसलिए कहते भैया ये रस को छोड़ना नहीं, ये रस को क्या करो, ये रस को पान करते रहो। बोले भैया जो पान करेंगे, बोले कहाँ पर पान करेंगे, बोले गोभी, गोभी मतलब है इसी मध्य जगत में का वृंदावन धाम है। ये रस को कहाँ बैठ करके आस्वादन करे, कभी ये पृथ्वी लोक में, कभी वृंदावन धाम में बैठ करके ही ये रस को आस्वादन करे। बोले भैया रस को कौन कौन आस्वादन कर सकते हैं, बोले ये रस को केवल दो व्यक्ति ये रस का आस्वादन कर सकते हैं। बोले कौन, बोले रसी और एक भाबू, भाबू और एक रसी केवल ही ये रस को वही आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन कहते भैया रस क्या है, कभी रस है क्या चीज, पर ये जो रस है कभी कृष्ण की जो अधरामृत है, कृष्ण का अधरामृत ही ये रस है। बोले ये रस को कौन कौन पान किए, बोले यद्यपि ये रस को सभी भक्तों ने ये रस को पान करते हैं, लेकिन कृष्ण का अधरंग तो कौन पान करते हैं, बोले गोपियाँ हैं। कहती है गोपियाँ ही पूर्ण रूप में ये भक्ति रस को गोपियाँ ही पूर्ण रूप में पान करती हैं। इसलिए कभी इसका प्रमाण कभी क्या है, तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं। कभी जो ये श्रुतियाँ, ये जो श्रुतियाँ है इन लोगों ने जो बामन पुराण में आया है, इन लोगों ने कठोर तपस्या की है, इन लोगों ने कठोर तपस्या की कृष्ण को। जब कृष्ण दर्शन दिए बोले क्या चाहते हो, तो प्रभु हम ये गोपियां जैसे आपको भजन की है, हम गोपी भाव से आपको पाना चाहते हैं। कृष्ण बोले ये नहीं हो सकता, और कोई चीज को हमें, और कोई चीज को प्रार्थना करो, ये प्रभु केवल हमें यही चाहिए और कोई किसी चीज को नहीं चाहिए। इसलिए मतलब ये श्रुतियाँ भी ये गोपी रूप देह प्राप्त करते हुए कृष्ण की अधरा मृतों को ये भी पान करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं इसका जो फल है राधा कृष्ण का प्रेम रस ही इसका फल है, और जो आस्वाद है कहते गोपियों ने जैसे आस्वादन की है, हैं कहते उसी भाव से ही ये फल को पूर्ण रूप में कोई आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए कहते जो तीसरा जो श्लोक है कहते ये आशीर्वाद, कहते भागवत जी की आशीर्वाद देता है, ये यही आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं गोपी भाव से ही, विशेष करके महाप्रभु की धारा में जो लोग आए हैं, हैं कहते ये सबके सब श्री रूपानुगम होकर के हैं, रूपानुगत को अनुगत को स्वीकार करते हुए हैं, रूपानुगत को स्वीकार करते हुए क्या करनी चाहिए, अगर वो रस को कोई पान करेगा तो पूर्ण रूप में वो रस को कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्ग सबके सब क्या प्रार्थना किया, सुनिया अच्छे साधो मुखे बोले सर्व जन श्री रूप की पाए मिले युगल चरण कबे पर सुनाथ पदे भाई कवि हम हो जबसे युगल रूपर सुनाथ पदे रुक मोर प्रार्थना करे सदा नरुतम हमारे जितने गोस्वामी वर्ग हो गए सबके सत्री रूपानुगत को आश्रय करते हुए
ये सब के सब ये रस को आस्वादन करना चाहते, इसलिए यही ये तीसरा श्लोक है कि हमें आशीर्वाद देता है, ये यही भागवत हमें आशीर्वाद देता है। कहते ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहते अभी देखो ये कथा यहाँ से शुरू होती है, कहते यहाँ पर कहते हैं ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय। कहते अभी कहते आ गया एक घोर कलयुग आए, अभी घोर कलयुग को देख करके कभी ये स्वर्णकार ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को साथ में गए, बोले ये कलयुग से हम कैसे रक्षा पा सकते। तब पितामह ब्रह्मा जी बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना वही स्थान पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके अगर तुम लोग साधन भजन करोगे तो ये कलयुग तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। कहते वो चक्र जा पर कहाँ पर गिरा, बोले श्री नैमिषारण्य में ही ये चक्र जा पर गिरा है। नैमिषारण्य में गए हो? वाह वाह, कहते श्री कहते ये नैमिषारण्य में ही ये चक्र जा पर गिरा, जब गिरा पूरा के पूरे पाताल को भेद कर दोगे वो चक्र नीचे चला गया है। कहते वो स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा, बोले कारण है जहाँ पर एक निमिष मात्र समय जहाँ पर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर गंगा बह रही है, बड़ा पवित्र स्थान है। क्योंकि भगवान एक निमिष में राक्षस का जो बल को वहाँ पर हरण किया था, इसलिए वहाँ बहुत सारे कारण बता रहे कि उस स्थान का नाम नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा। क्योंकि यहीं पर बैठ करके तुम लोग साधन भजन करोगे तो फिर ये कलयुग का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर में नहीं पड़ेगा। इसलिए वहीं पर बैठ करके ये सब के सब वहीं पर साधन भजन कर रहे थे। एक दिन भगवत इच्छा से यहाँ पर जब ऋषियों ने अपना प्राप्त कृत्य को करते हुए हैं सगर से नहा धो करके तिलक आदि अपना नित्य नियम को जब उन्होंने समाप्त करते हुए हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर श्री सुत गोस्वामी वहाँ पर आते ही, जब सुत गोस्वामी आते हैं तब वहाँ पर स्वर्णकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी को आसन दे करके बैठा है और बैठा करके बोले हे श्री सुत गोस्वामी। इसलिए पहला पूछा ना सुत एक उग्र स्वर सुत और एक लोमहर स्वर सुत है, ये जो सुत है श्री उग्र स्वर सुत है। बोले इन्होंने तब इनको बोले बोले सुत गोस्वामी आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण इतिहास ये सब के सब अपने गुरु जी की कृपा से सब सब कुछ अध्ययन किए और सारे शास्त्र का जो तात्पर्य है आप गुरु जी की कृपा से ही अपने प्राप्त किए हो, इसलिए कहते हैं तत्त्वम समत सर्वम तत्त्वम तदनुग्रहात् ब्रह्मो सिद्धस्य शिक्षस्य गुरवः गुह्यम् अभ्युत। यहाँ पर श्री हृदय पवित्र हो, शिष्य का हृदय निर्मल हो और निष्कपट रूप में जो गुरु जी की शरण में शरणागत है, गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं अपना हृदय में कोई चीज नहीं रखते, वो शिष्यों को सब कुछ शिष्यों को प्रदान कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता क्या है, बोले सिद्धस्य शिष्यस्य, शिष्य का जो हृदय है वो निष्कपट होनी चाहिए है? तब निष्कपट होने पर गुरुदेव अपना पास में किसी चीज को उन्होंने हृदय में नहीं रखते, सारी चीज को शिष्यों को प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो वेद पुराण इतिहास हमें कैसे पढ़नी चाहिए, किसकी कृपा से ये चीज को प्राप्त करना है। अगर कोई सोचे नहीं हम तो पीएचडी कर रखा है, हमने संस्कृत में आचार्य कर रखा है, संस्कृत ज्ञान हमारे पास है, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं गुरु वैष्णव के पास में पढ़ने का, अपने आप अपना अंदर में ज्ञान है, हम अपने आप शास्त्र सिद्धांत को तंत्र को हम अपने आप समझ लेंगे।
कभी जो भागवत विद्या है इसको बताइए गुरु परंपरा विद्या है, अपने आप पढ़ करके ये चीज को समझना कठिन है, कठिन है। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझाया करते हैं, केवल भागवत में इसमें केवल शब्द ही है, लेकिन उसमें जो टोन है ना वो टोन नहीं है, केवल शब्द। गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे मधुसूदन है, देखो शब्द कैसे परिवर्तन होता है कैसे। गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे मधुसूदन हम बोले तुम कहाँ गया था, इसका मतलब तुम जहाँ गया था हमें पता नहीं, लेकिन यही शब्द जो हम घुमा तुम कहाँ गया था, पता तुम कहाँ गया था, इसका मतलब तुम जहाँ गया था तुम सही जगह पर नहीं गया था। अगर उसी शब्द को अगर हम बोले तुम कहाँ गया था तुम कहाँ गया था, इसका मतलब है तुम जहाँ गया था ये मेरे को पता है, मैं सब जानता हूँ तुम जहाँ गया था। तो गुरुदेव उसकी उदाहरण देकर कहते थे देखो ये शब्द कितना खेल है, वो एक ही शब्द उसका तीन अर्थ हो गया, लेकिन तीन अर्थ कैसे हुआ, लेकिन केवल टोन बदलने पर, केवल ये टोन बदलने पर उसका अर्थ अलग अलग हो गया। तब गुरुदेव कहते थे भागवत में ये जो भागवत में केवल इसमें शब्द है, इसमें टोन नहीं, इसमें टोन नहीं है केवल शब्द है। इसलिए अगर कोई सोचे हम विद्वता से ये भागवत को समझ ले, नहीं। इसलिए कहते भागवत पढ़े कोई तरे कोई मरे, कोई तरे कोई मरे। अगर गुरु वैष्णव के अनुगत्य के बगैर अगर ये भागवत को पढ़ेंगे हम मर जाएंगे, वो तरेंगे नहीं। हम उदाहरण देते हैं जैसे समुद्र मंथन, अभी समुद्र मंथन से जहर भी निकला, समुद्र मंथन से अमृत भी निकली, दोनों चीज निकली है, लेकिन अमृत मिला किसी को, देवता को मिला है, लेकिन दत्यों को क्या मिला, कुछ मिला है तन तन वदन को पा, उनको कुछ मिला नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला, देवताओं क्यों मिला, कारण है जो देवता लोग है ये सब के सब ये शरणागत है, इसलिए देवताओं को भगवान ने ये अमृत दिया है। इसलिए कहता अगर गुरु वैष्णव की अनुगत्य में अगर ये भागवत को पढ़ेंगे कहते कर ये भागवत का तात्पर्य को हम समझ सकते हैं। इसलिए श्री सौनकादि ऋषि लोग ने कहा हे सुतो गोस्वामी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा कर रहे थे ये सुतो गोस्वामी कहाँ बैठे हुए, सबसे पीछे बैठे थे, सबसे पीछे बैठे हुए थे हैं, सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन वहीं पर बैठ कर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की जो हृदय की जो भावना को उनने सब कुछ सुखदेव गोस्वामी की भावना को उन्हें सब कुछ उन्हें धारण किया, धारण करते हुए फिर उन्होंने सुतो गोस्वामी वहां पर इतने लोग बैठे हुए थे, लेकिन पर सुतो गोस्वामी स्वामी ऋषियों को फिर उन्होंने सब कुछ उन्होंने कथा श्रवण कराया। इसलिए यहाँ पर और इसलिए प्रभुपाद और एक बात कहते हैं हाँ ये श्रवण कराया इसको बाद में, फिर सौनकादि ऋषि लोग फिर सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न करते हैं, छह प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं भैया प्रश्न कौन किसको कर रहे हैं, कहते हैं सौनकादि ऋषि लोग सुतो गोस्वामी को कर रहे हैं। बोले भैया सुत का मतलब क्या होता है, अब महाभारत देखे हो ना, देखे हो महाभारत, महाभारत में देखे हाँ, इसलिए देखना वहां पर देखना ये अर्जुन और भीम कर्ण को बारंबार ट्रॉफी करते हैं सुत पुत्र बैठ गया, तो सुत पुत्र होकर क्या बोल रहे हैं, हमारे सभा में पर कोई अधिकार नहीं, तो सुत पुत्र मतलब सुत मतलब जो रथ को चलाने वाले उसको सुत कहते हैं, बोले उसका उपपुत्र है अधिरथ का पुत्र, इसलिए कहते हैं सुत मतलब होता है छोटी जाति में जन्म ग्रहण किया, लेकिन छोटे जाति में, लेकिन प्रश्न कौन कर रहे हैं, बोले सौनका ऋषि ये बड़े बड़े ऋषि जो प्राप्त हैं लोग सुतो गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। तब प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर विशेष यहाँ पर शिक्षा की बात देते हैं जो भगवान की जो भक्ति में है ना इसमें कोई है कहते जय भजन सही बड़ा अभक्त निमिषार कृष्ण भजन नहीं जाती भुला निमिषार, इसलिए है इसलिए हरि का भजा सो हरि का वो जात पाप कुछ ना कोई, इसलिए जो भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए मेन जो वस्तु है
ब्रूहि सिद्धस्य शिष्यस्य निष्कपट हृदय व भजन परायण होने चाहिए। भजन परायण होने पर हृदय में अपने आप सब कुछ हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहते बोले प्राय में अल्पाय सद्ध कला बसमीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग चुप ध्रुता। इसलिए कहते हैं कि कलयुग सम्रता श्लोक है। बोले सुख गोस्वामी बोले प्राय में अल्पायुष सभ्य कलयुग में प्राय करके लोगों का जो आयु है ये अल्प है, लेकिन दूसरे दूसरे युग में कैसे था। सत्य युग में तो एक लाख साल रहते थे, त्रेता युग में तो 10,000 साल रहते थे, द्वापर युग में आ गया 1,000 साल रहते थे, कलयुग में 100। अभी 100 को जिंदा कर रहे हैं, वही 100 जिंदा नहीं रहे। अभी कोरोना में देखो, अभी कोरोना में देखो हाहाकार मच गया है कोरोना। आज मेरे पास सब फोन आया था, तो अलग अलग जगह में जाता हूँ ना, मेरे सब प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप ठीक ठाक हो ना। मेरे को अभी अभी ग्रेटर नाइट से फोन आया था, आज ग्रेटर नाइट का फोन आया था, मेरे गुरु जी आप ठीक ठाक हो। बोले अभी ये जो कोरोना है महामारी का, बोले पहले कोरोना जो आया था बोले तो हमारे घर आस पास में था नहीं, लेकिन अभी जो कोरोना है ये महामारी का उदाहरण दिया है, इसलिए मेरे कहते आप सावधान से रहना है, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना बाहर, अभी सावधान से, अभी कुछ दिन तक सावधानी से रहो कुछ दिन तक है। इसलिए कहते हैं कलयुग में कहते प्राय प्राय अल्पायुष, कलयुग में प्राय करके लोगों का आयु बहुत कम है, लेकिन जो सत्य रहते हैं द्वापर में ना लोग ऐसे नहीं मर जाते थे, बीच में कोई मर गया जब तक उनका आयु पूरी नहीं हो जाती थी नहीं मरते थे हैं। इसलिए अब भागवत में कथा थी ना, जो द्वारका में जो कृष्ण थे, ब्राह्मण का कोई बच्चा जन्म हुआ तो उन्होंने बच्चे मर गया तो कृष्ण के सामने पटक दिया, बोले बच्चा क्यों मर रहा है, तो राजा का अधर्मी, राजा अधर्मी है, इसलिए नियम है जब तक पूरी आयु नहीं हो तब तक नहीं मरनी चाहिए, कि मरा क्यों मेरा बच्चा, राजा अधर्म राजा है, राजा अगर कोई अधर्म काम करे तो प्रजा को उसको भुगतना पड़ता है। इसका मतलब है पहले आधा उम्र में कहीं नहीं मरते थे, उम्र पूरी होने पर जाकर कोई मरते थे हैं, लेकिन कलयुग में इसमें कब कौन मरेगा कोई किसको बच्चा बता नहीं सकता, किसी समय में भी हमारी मृत्यु हो सकती है, इसलिए प्रायण अल्पायुष शब्द। लेकिन कलयुग में क्या है कहते मंदा सुमंद मते हो मंद भार बदलता है, इसमें बोल रहे हैं कलयुग में तो अल्प आयु है, अगर किसको दीर्घायु हो, अगर कलयुग में अगर किसको दीर्घायु हो ज्यादा उम्र वाले हो लेकिन आलस है, कहते ना कृष्ण भजन में आलस और भोजन में खुशिया है। कलयुग में लोग कहते हैं भोजन के लिए तो बड़े खुशियार है, लेकिन भक्ति के लिए भजन के लिए ज्यादा मतलब, इसलिए कहते भजन के आलिस है और भोजन के खुशियार है कलयुग में। इसलिए कहते अगर किसको ज्यादा परमायु हो तो तथ्य परमात्मा में ये आलस है, हैं? फिर अगर कोई नी आलस हो, अगर किसको अंदर में आलसता नहीं हो फिर उसमें क्या है कहते सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मतलब है आलसता नहीं लेकिन विरोध है। मुगल घर में पत्नी अगर भजन करे तो पति भजन करने नहीं देता, अगर पति अगर भजन करता तो उसको पत्नी भजन करने नहीं देते, अगर बच्चे अगर भजन करे तो पिता माता भजन करने नहीं देते, अगर बचपन में थोड़ा गले में कंठे तिलक लगा दे तो ये कोई उम्र है तरह भजन करने का, अभी से जब तिलक करके क्या है, है? तो कोई उम्र तेरा है लेकिन शराब पिए ना ना ही उम्र, गरीब हो बच्चा आधार से शराब पी रहे सिगरेट फूक रहे बच्चा जुआ खेल रहा है लड़की लाती कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अगर भजन करे ना फिर तेरे कोई उम्र है, तेरे सारा दुनिया में एक ही बात कहे है ये कोई उम्र तेरे घर में, अरे अभी तो लिखा पढ़ाई करो शादी शुदा करो, फिर बच्चे जन्म दो उनको शादी शुदा करने के बाद जब रिटायर लाइफ हो जाएगा एक दो माला सट्टा लगना
अभी से तुम ये हरि हरि क्या कर रहे हो, अभी से हरि हरि में क्या कर रहे हो। इसलिए करके कलयुग में करके क्या बोले सुमंत मतलब उसको बाद में है फिर कहते हैं तब अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होने पर भी तब उसमें फिर मंदभाग्या मतलब मंदभाग्या मतलब क्या है, मंदभाग्या मतलब होता है साधु संग भी फिर जीवन में फिर साधु संग नहीं मिलता। ये कलयुग का स्थिति बता रहे हैं। अगर किसको भजन करने की प्रवृत्ति हो भजन करने के लिए परिवार के बाधा देने वाले अगर आलस नहीं हो तो साधु संग भी मिलने वाले नहीं। फिर उसको बाद में बोले झुप द्रुत बोले झुप द्रुत मतलब क्या है, बोले झुप द्रुत मतलब होता है तरह तरह का रोग में तरह तरह का बीमारी में है तरह तरह का रोग बीमारी में फिर भजन करने के लिए असमर्थ है। बोले कलयुग में कितने बाधाएं हैं, इसलिए कितने कलयुग में भजन करने के लिए कितने बाधाएं। इसलिए सुतो गोस्वामी हैं कि आप कृपा करके बताओ जो कलयुग का ये स्थिति है हमारे कल्याण के। तब श्री स्वर्णोदाद ऋषि को सुतो गोस्वामी ने सुतो गोस्वामी को स्वर्णोदाद ऋषि ने छह प्रश्न किए। कभी जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ना ये पूरे के पूरे भागवत है। ठीक है, ये छह प्रश्न को सुन लो है फिर मैं कल उन लोगों ने फिर आपको बताना। अभी अभी थोड़ी देर बाद मैंने बंद कर दूंगा फिर सुनूंगा कल क्या क्या करना है। ठीक है, इसलिए इनका जो पहला जो प्रश्न है पुरुष का ऐकांतिक श्रेय क्या है, पुरुष का ऐकांतिक श्रेय क्या है। ऐकांतिक श्रेय मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिस वस्तु को प्राप्त करने का बाद उससे दुनिया में कोई श्रेष्ठ वस्तु हो ही नहीं सकता। जगत में ऐसे वस्तु है क्या है? है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कल्याणदायी वस्तु क्या है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे इससे बड़ा वस्तु जगत में कुछ है ही नहीं। पर इसमें कहते हैं पर उसमें पर जीव को परम शांति कैसे मिले या आत्मा के कल्याण कैसे हो जीव को परम शांति कैसे मिले। इसलिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है जगत में, सर्वश्रेष्ठ जो वस्तु है तथा कृष्ण प्रेम ही जीवन में ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तथा ब्रह्म को प्राप्त नहीं परमात्मा को प्राप्त नहीं है केवल प्रेम को द्वारा ही भगवान वसीभूत होते हैं और किसी चीज को द्वारा भगवान वसीभूत नहीं होते हैं। इसलिए जीव का परम श्रेय किसमें है, जीव को परम शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को परम शांति कैसे मिलेगी, इसका ये पहला प्रश्न है। फिर जो दूसरा प्रश्न है कि जो आत्मा हरि जैसे प्रसन्न होते हैं उसका स्वतंत्र सार क्या है, इसका स्वतंत्र सार क्या है, हैं? फिर जो ये जो प्रश्न है ना वो एक 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 प्रश्न दूसरे प्रश्न में जुड़े हुए हैं। इसका साधारण अर्थ ये होता है कि कलयुग में ऐसे कौन सा साधन है जो सबसे सरल साधन है जिस सरल साधन के द्वारा जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। कलयुग में ये सबसे सरल साधन है क्या जी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तारमति को श्रवण को यद्यपि अलग अलग मुनियों ने अलग अलग शास्त्रकारों ने कलयुग में भगवत प्राप्ति का अलग अलग उपाय बताया है, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग उपाय बताया, लेकिन वास्तव रूप में कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में ऐसे कौन सा रास्ता को अपनाए जो कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग हो, जिसको कृष्ण वर्णन तिशां कृष्ण सांख पांक अस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रारी जयति ही सुमेध। इसलिए कलयुग में जो सुमेध व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे भगवान को कैसे आराधना करेंगे, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये प्रश्न उसके बाद में सारे के सारे उत्तर आए। ठीक है, और जो तीसरा जो प्रश्न है हमें भगवान श्री वासुदेव का चरित्र को श्रवण करा, कृष्ण कैसे
वसुदेव का बेटे बेटे बन करके आए, हमें श्री वासुदेव का चरित्र सुना। तो इसमें जीव गोस्वामी कहते हैं कभी क्या केवल वासुदेव का कथा है, कभी कृष्ण का तीन है और कृष्ण का तीन स्वरूप है। जीव गोस्वामी कहते हैं हमें ब्रज का भी कथा सुना, हमें मथुरा का भी कथा सुना और हमें द्वारका का भी कथा सुना। द्वारका जी द्वारका की कृष्ण की, मथुरे से कृष्ण की और श्री ब्रजनंदन जो कृष्ण है, ये तीनों को कथा में तीनों का भी कथा सुना, ये तीसरा प्रश्न है। और जो चौथा प्रश्न है केवल हमें कृष्ण कथा नहीं, कद जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजामि। मेरे को पानी को लिया के तो उनके जो अवतार आदि है, उनकी अवतारों का भी कथा सुना। बोले उनकी अवतारों का कथा क्यों सुनना चाहते हैं? जब उन्होंने कृष्ण कथा सुनने के लिए बोले फिर अवतारों का कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण के भी बहुत सारे अवतार हैं, जैसे भगवान राम उनका भी बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, जैसे भगवान वामन देव उनका भी बड़ी सुंदर सुंदर, कैसे भगवान अपना भक्तों का प्रेम में प्रभु कैसे वसीभूत हुए, उनको भी बड़े सुंदर सुंदर चरित्र है। जैसे नरसिंह भगवान है, भक्त प्रहलाद की वाक्य रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं खंभे से प्रकट किए, कैसे ब्रह्मा अवतार पृथ्वी को उद्धार किए। कहते उनकी अवतार का कथा भी बड़े सुंदर सुंदर कथा है। बोले जिनकी अवतारों की कथा इतना सुंदर है, फिर कृष्ण कथा कितने सुंदर नहीं होगी। इसलिए हमने उनकी अवतार का भी कथा में श्रवण करा। उनका जो पंचमा प्रश्न है, कहते भगवान का जो अद्भुत जो जस है, उनकी जो उदार है और उनकी जो सुंदर सुंदर जो लीला है, उसको भी हमें श्रवण करा। कहते उनकी यहाँ पर कहते भगवान की जो जस उदार और लीला कहते कौन सा है? कहते अपर्ण संस्कृति घोरा जल नाम विभोस परिणाम तत्व सत्य विमुचते जब विवेक स्वयं भयम। इसलिए जो अजामिल का जो कथा है, भगवान की जो अद्भुत जस है, कैसे अजामिल ने अपना बेटे के लिए उन्होंने नारायण नाम को ग्रहण किया, लेकिन भगवत नाम में कितने शक्ति है, कितने शक्ति है। बल्कि जिनका नाम किसी तरह से विवश होकर भी जिनका एक बार नाम को ग्रहण कर ले, तब जब विवेक स्वयं भयम, जिसको स्वयं काल भी कहते हैं। इसलिए उनकी जो अद्भुत जो जस लीला है, कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को कैसे उन्होंने धारण किया, कृष्ण कैसे उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने कैसे कृष्ण रास रचाए, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, और वहाँ पर कृष्ण कैसे ब्रज गोपियों की जो ऋणी की उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए उनकी उदार जस लीला को भी श्रवण कर। और जो छठवा प्रश्न है, जब भगवान कृष्ण अपना धाम में चले गए, धर्म किसका आश्रय ग्रहण किया? कलयुग में धर्म किसकी आश्रय ग्रहण किया, किसका आश्रय ग्रहण किया? भागवत ग्रंथों को ही ये आश्रय ग्रहण किया। जब उन्होंने ये छह प्रश्न की, अब ये छह प्रश्नों को सुन करके श्री सुत गोस्वामी तद इति संपर्शन स्नाधिष्ट विप्राणाम लोमहर्षणी, तो बड़े प्रसन्न हो, इनके रोम रोम के लिए उठा। बोले किसकी? बोले सुत गोस्वामी। बोले इतने प्रसन्न क्यों? बोले कारण क्या? बोले कारण है इनका जो प्रश्न है कोई ये दुनियादारी का कोई प्रश्न नहीं है, इनके सारे को सारे प्रश्न केवल भगवत संबंधित उत्तर प्रश्न है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर किसी साधुओं को पास में जाओ ना, अगर सचमुच से उनको प्रसन्न करना चाहते हो, ये दुनियादारी की कोई बात नहीं करनी चाहिए, मेरे बेटा का नौकरी कैसे लग रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारी कैसे पैसे, अगर ये साधुओं को पास में जाकर ये सब प्रश्न करोगे तो जो सचमुच से जो साधु है वो क्या करते हैं? कहते मत कथा मधुकथा चिंता बधयते परस्पर
कथयति च मां मृगं तुषन्ति च रमन्ति च। ये शुद्ध साधु का लक्षण है। ये भगवत चर्चा, भगवत कथा, भगवत भक्ति को छोड़ करके और कुछ करते नहीं। इसलिए अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसे प्रश्न उनसे करो जिसको द्वारा भगवत चर्चा, भगवत कथा है, क्योंकि वही उनकी जीवन है, साधु का वही जीवन है। अगर उनको याद करके दुनियादारी की बात करने लग गया और फिर क्या होता है, वो जो भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं क्या होता है, उनको भगवत स्मरण छुड़ा करके क्या कर रहे हैं, हम उसको दुनियादारी कथा मिल गया, संसार की कथा मिल जाए। इसलिए हमारे महाराज कहते थे भक्ति प्रज्ञा जी कैसे होता है, जब इनको पास में कोई सांसारिक जो लोग आते हैं, अक्सर करके सांसारिक लोग क्यों आते हैं, हमारे घर में ये दिक्कत है, घर में ये समस्या, ये आप साधु बाबा कृपा करो, इसलिए अक्सर करके लोग आते हैं। भक्ति भजन करने वाले तो कोई विरल व्यक्ति आते हैं। हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे जब उनको पास में कोई आकर के ना दुनियादारी की बात करना, वो आंख बंद कर लेते, भक्ति प्रज्ञा कैसे हो गोस्वामी आंख बंद कर लेते थे, उनको ऐसे लगता था जैसे ये सुन रहे, लेकिन कोई बात नहीं सुनते हैं, लगता था जैसे ये बात सुन रहे हैं, लेकिन वो आंख बंद करके ना हूँ 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 करते रहते थे, लेकिन उन्होंने कोई दुनिया की कोई भी चर्चा को नहीं सुनते हैं। इसलिए कहते इसलिए श्री सुतो गोस्वामी यहाँ पर प्रसन्न क्यों हुए, बल्कि इसलिए उनके प्रसन्न हुए क्योंकि जितने सारे प्रश्न हैं ये सब के सब भगवत संबंधी प्रश्न हैं। अभी जो चर्चा होगी केवल भगवान की दीप पर कथाओं की यहाँ पर चर्चा है, और जिसमें आनंद ही आनंद, लेकिन संसार की कथा कैसे दुखी दुखे, कोई भी संसार की बात करो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, इसकी संसार की बात सुनना दुखी दुखी होकर दुखी दुखी हो जाओ, बोलने वाले भी दुखी, सुनने वाले भी दुखी हो जाएगी। लेकिन अगर भगवत चर्चा सुनोगे तो बोलने वाले भी सुखी, सुनने वाले भी सुखी हो जाए। इसलिए यहाँ पर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके कर अभी तुम्हारी प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। कभी सबसे पहले मैं अपना गुरु की चरण की मैं वंदना करता हूँ। बोले जम प्रभजन दमनुते तमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मय दया करवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। यहाँ पर कहते हैं हमारी जो वैदिक जो संस्कृति है इतना प्रथम तो गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममाचरणं कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति जनता निष्फल भवे। इसलिए था गुरु गोविंद दो मुखरे काक लाग पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बता। इसलिए सबसे पहले गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए भगवत वंदना उसको बाद में करनी चाहिए, कर नहीं तो तुम्हारी सब कुछ निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सनातन जो धर्म है इसका जो मूल है श्री गुरु जी के चरण में भक्ति है। इसलिए पहले सबसे पहले मैं अपना गुरु जी के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी कथा सुन लो, छोटी एक कथा सुन लो। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था, अब लोग पानी में देखना एक काला सा ना दिखा रहता है, देखना वो पानी में देखना डूब करके मछली को पकड़ कर खाता है, अब देखे होंगे उसको क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हो, चलो बंगला में कहते पानी का उत्सव नाम है, वो पानी में डूब करके ना देखना काला रंग का चिड़िया होता है, पढ़ाई करके कैसे घुसेगा वो मछली को पकड़ेगा, और जो मछली को पकड़ करके सीधा नहीं जाएगा, वो पहले वो मछली को ऊपर ऐसे फेंकेगा और फेंक करके ना उसको दो बार पकड़ेगा, पकड़ कर खाएगा। अभी क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उसको देख लिया, देख करके उसने उससे सीख लिया कि कैसे ऊपर फेंकता है और बढ़िया से पकड़ लेता है, हम पकड़ कर करके खा लेता है। उसने किया कि उसी चीज को उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। पहले उसने एक लकड़ी का चाकू बनाया और चाकू को ऊपर फेंकता है और मुँह में इसको पकड़ लेता है, और उसको प्रैक्टिस करते 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 फिर उन्होंने लोहे का चाकू बनाया, बना करके अभी ऐसे ऊपर पकड़ता है, फेंक कर पकड़ लेता है। जो बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया ना उसको अपना जीविका बना लिया,
जब जहाँ देखते हैं बहुत बड़ा बाजा लेकर बड़े जोर से ड्रम को बजाएगा, जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे फिर अपना थैला लगाएगा, ऐसे फेंकेगा और पकड़ेगा, फेंकेगा और पकड़ेगा। एक व्यक्ति ने देख कर बोले वाह इतने सुंदर तेरे गुरु जी, कितने बढ़िया सिखाया है, कितने बढ़िया तुम्हारी गुरु जी ने सिखाया। इतने में बोला हम थोड़ी गुरु जी से सीखे, हम तो अपने आप सीखे हैं, हम तो अपने आप सीखे। बोले और एक बार दिखा। उसने क्या किया, फिर जब उसने जोर से फेंक करके मेरे पकड़ने के लिए गया ना, फिर वो चुप गई, चुप गई तो सीधा नाक को पर गया, नाक ही काट दिया, उसका नाक ही कर दिया। तब यहाँ पर कहते हैं उसका गुरु जी कौन थे, वो चिड़िया था, पक्षी था ना, वो चिड़िया था। इसी जगह से देखना, बगैर देखे कोई भी जगत में ऐसे कोई चीज नहीं, बगैर देखे तुम सीख सकते हो। जड़ जड़ का भी कोई ज्ञान देखना, बगैर कोई भी चीज को आप जो चोरी करते हैं थोड़ी चोरी करता है, वो भी किसने देखना है। जो पकड़ करता है उसका भी गुरु है, जो शराब पीता है उसका भी गुरु है, सब चीज को कोई इतना गुरु है। इसलिए कहते भक्ति गए अपने भी है, जब तक हम किसी शुद्ध वैष्णव शुद्ध गुरु जी के आश्रय ग्रहण नहीं करते तब तक हम भक्ति जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर देने से पहले उन्होंने पहले उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। इसलिए जब हम लोग वंदना करते सबसे पहले कहते ना ओम अज्ञान इंद्रादस्य ज्ञानांजन ज्ञातया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसके बाद में व्याख्या कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। उसके बाद में फिर वैष्णव को अपना दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु सबको हम सबसे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। इसलिए हम सबसे पहले गुरु वैष्णव को वंदना करते हुए कोई काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी सर्वप्रथम अपना गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया। गुरु जी को प्रणाम करते हुए फिर तभी मैं आपका उत्तर दूंगा। अभी यहाँ पर श्री